रिवीजन ऑफ ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री की प्रैक्टिस से रिलेटेड इलस्ट्रेशन है 14। आपको यहाँ पे दे रखा है बैलेंसेज इन बुक ऑफ राहुल ऑफ ए कंप्यूटर डीलर। तो अब आप ये ध्यान रखो कि वो एक कंप्यूटर डीलर है, तो कंप्यूटर उसके लिए क्या है, जो ये कंप्यूटर का बैलेंस है ये उसके लिए क्या है, गुड्स हैं या फिर स्टॉक है। जो वर्ष के अंत में बचता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। और यहाँ पे आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज मिक्स गिवन है, तो जो कैश है वो एसेट्स में रहेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जब हम बैंक में जितने पैसे हमारे जमा हैं उससे ज़्यादा का चेक कर देते हैं, उससे ज़्यादा विड्रॉ कर देते हैं, तो इसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवर यानी कि अधिक, ड्राफ्ट यानी कि निकलवाना। जब बैंक में डिपॉजिट अमाउंट से ज़्यादा हमने ड्रॉ कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी होता है। डेटर्स एसेट्स हैं, बिल्डिंग भी एसेट है और कंप्यूटर या स्टॉक ये भी एसेट्स है। एक ही लाइबिलिटी है हमारे पास और कुछ भी नहीं है। ऑन द सेम डे, ये तो अगली एंट्री है सेल की, तो ओपनिंग एंट्री में सिर्फ हम इन्हीं बैलेंसेस का यूज़ करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट टू बैंक ओवरड्राफ्ट। और जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज कॉल्ड कैपिटल। आप पहले सभी एसेट्स का टोटल करोगे, उसमें से 1000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट के सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास 16500 रुपये आ गया, वो है कैपिटल। एंड सेकेंड में, ऑन द सेम डे ही सोल्ड ए कंप्यूटर। अब कंप्यूटर आपको खुद याद रखना है कि गुड्स है, इसीलिए हम सेल यूज़ करेंगे, कंप्यूटर यूज़ नहीं करेंगे। जिसकी 1950 द बुक वैल्यू, उसकी बुक वैल्यू तो 2000 रुपये थी, 1950 रुपये में सेल किया तो ट्रेड डिस्काउंट भी किया। ये जो सेल वैल्यू हम उसी पे ही तो सेल दिखाएंगे। कई बार लॉस पे भी सेल करना पड़ता है, डिस्काउंट पे करना पड़ता है, तो ये वट एवर। हमारे पास कैश तो आया 1950 रुपये टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया 1950 रुपये।